हाँ ये अड़ गई थी बिल्कुल इसके लिए। नहीं बहू मुझे यही चाहिए। और यही वो जगह थी जब नीतू यहाँ पे यहाँ से निकल के जा रही थी और मैंने पहली बार उसे नीतू को यहाँ पे देखा तो फिर मुझे थोड़ा डाउट सा होने लगा था माइंड से। ओए लखनी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये सब देख के आप समझ ही गए होगे, वैसे आप समझ तो टाइटल और थंबनेल देख के ही गए होगे कि आज हम लोग फाइनली बताने वाले हैं नीतू जब फर्स्ट टाइम मेरे घर पर आई तो मम्मी का क्या रिएक्शन था और मम्मी को कैसे पसंद है। सबसे पहले आपका मैं एक सस्पेंस खोल देता हूँ कि नीतू को मेरे से पहले पसंद मम्मी ने किया था और ये मम्मी की जिद थी कि ये लड़की मुझे एज अ बहू चाहिए, मतलब मम्मी ने सीधा ऑर्डर दे दिया था मुझे। तो पहला वर्जन मम्मी का होगा, मम्मी बताएंगे सारी चीज अपने आप, मैं तो आराम से बैठ के सुनूंगा। ओके मम्मी ठीक है, बताइए, मैं भी यहाँ सुनूंगा। हाँ तो मैं बताती हूँ आज कि नीतू मुझे कैसे पसंद आई, क्योंकि सब लोग पूछते रहते हैं ना कि नीतू कैसे पसंद आई। तो नीतू आई थी हमारे यहाँ पहली बार एक वीडियो बनाने, तो मेरे को किसी ने आके बताया, जैसे मतलब मैं अपने रूम में बैठी तो कोई ऊपर आया और किसी ने आके बताया वो ना नीचे एक ड्राइंग रूम में एक लड़की बैठी है बड़ी सुंदर सी। फिर मैंने बुलाया उसे, मैंने कहा बुला के लाना ऊपर। फिर मैंने उसे बुलाया, मैंने जैसे देखा उसे मतलब ऐसे उसने एक क्रॉप टॉप सा कुछ पहन के ऐसा मतलब कोई शॉर्ट सी ड्रेस पहनी हुई थी और वो ना मुझे इतनी प्यारी लगी, एकदम गोरी गोरी और इतनी प्यारी सी, लंबी लंबी सी। तो मैंने सोचा अरे बड़ी प्यारी लड़की है, तो मैंने सोचा कि मैं इससे ना लकी से बोलूंगी कि लकी तू इससे शादी कर ले। तो मैंने कहा फिर मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ कि किसी की बेटी को एकदम ही आए और मैं बोल दूं उससे कि शादी कर ले। और जैसे ही लकी आया ना, फिर मैंने लकी से सोचा मैंने की बोलूं मैं लकी को कि नहीं बोलूं। फिर मैं काफी देर सोचती रही, फिर मैंने लकी से कहा मैंने लकी मैं तेरे से एक बात कहूं कि अभी जो लड़की आई ना नीचे बैठी है वो कौन है। लकी ने बताया कि वो मेरे साथ वीडियो बनाती है और ऐसे ऐसे मतलब जो भी इसने बताया मुझे थोड़ी बहुत बातें। तो मैंने कहा लकी तू ना इस लड़की से शादी कर ले, इसे मेरी बहू बना ले। तो लकी ने कहा अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो आप, ऐसी पहली बार कोई हमारे घर आया और आपने ऐसी बात बोल दी। मैंने कहा नहीं लकी मुझे ये बहुत ही प्यारी लड़की लगी है और इसी से शादी कर दूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरे घर में ऐसे घूमेगी छम 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 करती हुई और मुझे मतलब बहुत ही प्यारी लगेगी, मुझे लगेगा कि हाँ मतलब कोई सब लोग मेरे बोलेंगे कि हाँ ये बहू पता नहीं मतलब ऐसे कहाँ से ढूंढी है और इतनी प्यारी बहू है बहुत ही अच्छी। मैंने कहा नहीं लकी बहू तो मुझे यही चाहिए और तू इसी से शादी करेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं इसका घर नहीं देखूंगी कुछ नहीं देखूंगी, बस मैंने लड़की देखी है बस शादी इसी से कर ले। ये था नीतू का। तो ये तो सिर्फ मम्मी वाला वर्जन था, उसके बाद पापा ने भी नीतू को देखा और लकीली सेम डे पापा कहीं बाहर गए थे लेकिन नीतू जब तक घर पर थी जब तक पापा आ गए। फिर पापा वाला रिएक्शन मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन मम्मी ने जब मुझे बोला मैं एकदम ब्लैंक फिलहाल मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, पहले आपको इनके वर्जन सुनवाता हूँ सारे। ओके अब बताओ मैंने क्या क्या बात करी नीतू के बारे में तुमसे। अच्छा वो बतानी है? हाँ मुझे ध्यान है, एक बार जब मैं घर आया था तो मुझसे ऐसे लखन की मम्मी ने कहा, शाम को आया था मैं, बोली आज मैंने एक लड़की देखी है और बहुत सुंदर लड़की है और मैं चाह रही हूँ कि ऐसी सुंदर अच्छी एक बहू हमें मिले और यही लड़की मुझे तो पसंद है, आप भी लखन से कहना इस लड़की से बात चला है। तो मैंने कहा ठीक है पसंद है तो दिखवा। फिर उसी के बाद में कुछ दिनों बाद मुझे लगा कोविड का टाइम चल रहा था ना सर, COVID. फिर वो हैं आई थी तब मुझे इसने दिखाई, फिर वो देख के मुझे भी अच्छा लगा। अब फिर मैं शुरू में तो ये हिचकिचा रहा था, मैंने पता नहीं कौन है कहाँ से हैं कैसे परिवार से हैं कैसा परिवार है होगा क्या है मतलब वो लोग। तो इन्होंने बताया कि बताया उनके विषय में। अच्छा अच्छी चीज़ ये थी कि एक तो उत्तराखंड से थी, मतलब मूल रूप से उत्तराखंड की हैं, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छी चीज़ लगा बिस्ट थी, राजपूत ही निकली तो अपने अपने उसमें भी। हालांकि हमें ऐसा कोई वो नहीं था कि हमें कोई कोई कास्ट का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये होता है कि जब अपने को मिल जाते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि हम लोग गाँव की पृष्ठभूमि से हैं, बाकी तो अब फ्यूचर में और भी बच्चे किसी भी कास्ट से कर सकते हैं जो अच्छी लड़की होता है, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये था लड़की अच्छी थी ये। तो मैंने कहा ठीक है लखन तो इसके मम्मी पापा देखना कि कहीं कोई ऐसा होता ना कि हो सकता लड़की या उसके माँ बाप कहीं दूसरी जगह करना चाह रहे हों, पहले से किसी से को बोल रखा हो उसके मम्मी पापा या किसी में, हालांकि पापा तो उसके नहीं थे मुझे बाद में पता लगा, तो पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बस फिर मैंने पूनम से कह दिया, मैंने कहा बात करके देखो, और कुल मिला के लड़की मतलब हमें जैसे अच्छी लगी थी ऐसी ही अच्छी है। सबसे बड़ी बात फिर पता है क्या, मैंने तो बिल्कुल ही बच्चों जैसी जिद रख ली थी कि नहीं मैं तो इसी से। हाँ ये अड़ गई थी बिल्कुल इसके लिए, नहीं बहू मुझे यही चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा था मैंने कहा क्या हो गया तुझे ऐसे, और क्योंकि उस समय मैं समझ रहा हूँ ये कोविड से पहले लखन के मेरे पास बहुत रिश्ते आ रहे थे, मतलब डेली मेरे पास में एक दो रिश्तों के लिए फ़ोन, डेली मैं तो बताता नहीं था,
काफी जगह से आते थे, कभी कोई अपनी रिश्तेदारी से, जान से, पहचान से, बहुत आ रहे थे। नीतू को देखने के बाद हम सब कुछ भूल गए, हमने कहीं से कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। मैंने कहा बहू तो यही चाहिए, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लगी। और फिर हमने लकी से बात करी, लकी तो शादी इसी लड़की से करेगा, पसंद कर ली, और आज वो हमारे घर की बहू बन के आ रही है। 28 में वो हमारे घर की बहू बन जाएगी और सब देख। हालांकि पिछले साल जब सगाई, जब उसकी एंगेजमेंट हुआ था, एंगेजमेंट पे ही हमने तो उसको बहू का दर्जा दे दिया था, बहू के बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहू का दर्जा तो हमने उसे देखते ही दे दिया था। लेकिन उसका सरनेम चेंज होने वाला है 28 में, अब वो रावत बन जाएगी। नहीं बहुत अच्छी है वो, वैसे तो परिवार ही अच्छा है, वैसे नहीं बड़े नहीं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सरल लोग हैं, बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि उत्तराखंड से पहाड़ से लोग जो होते हैं ना, बड़े अच्छे ही लोग होते हैं, और वो भी बहुत अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है। और नीतू हमारी सबसे प्यारी, और यही वो जगह थी जब नीतू यहाँ पे, यहाँ से निकल के जा रही थी, और मैंने पहली बार उसे नीतू को यहाँ पे देखा, कि मतलब मेरे को जो लगा ना कि बस शादी तो इसी लड़की से होनी है। और फिर मैंने ऊपर बुला ली अपने रूम में एक बारी बात करने के लिए, और मेरे ऊपर जिद करने लगी बच्चों की तरह से, नहीं यही मैंने कहा शादी तो इसी लड़की से कराओ, मैंने कहा लकी से बात करो, है ना। लकी को तो, लकी तो पता है, जब मैंने पहली बार लकी को बुला के बात करी, मैंने कहा लकी मेरे को शादी तो इस लड़की से कर ले। लकी मुझे ऐसा देखता रहेगा, अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो आप, पहली बार कोई हमारे घर आया और आप ऐसी बातें करने लग गई, मैं कैसे कह दूं उससे कि तू मुझसे शादी कर ले। वो सिर्फ मेरे साथ वीडियो बनाती है। मैंने कहा नहीं लकी, शादी तो इसी लड़की से करेगा। मैंने मतलब बच्चों वाली जिद रख ली, और वो मेरी जिद फाइनली पूरी होने जा रही है। नहीं नहीं बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन रहा कर तेरी जिद से, मेरी जिद से अच्छा, हाँ, अच्छी अच्छी बहू ला के दिया ना मैंने। हाँ। ऐसा चम 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 घूमे गोरी गोरी प्यारी प्यारी सी बहू घूमेगी घर में। नहीं नहीं वो सब बात है, जैसे मैं कुछ भी कहते हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे ना, छोटे छोटे। देखो अभी से कहां मौजूद, इसका ध्यान कहां था, इसका था कि अच्छे प्यारे प्यारे से बच्चे भी होंगे जो होगी, कहां तक सोच ली, बिल्कुल पहुंच नहीं है। और बता नीतू आज तू अपने बारे में बता कि तुझे हमसे मिलके कैसा लगा, तेरी हंसी। पता क्या हुआ था, हाँ। जब मैं मिली थी ना तो मॉम ने पहले मुझे अपने पास बुलाया अच्छे से, फिर मैंने देखकर मतलब मेरे को शर्म आ गई थी, मैं नीचे चली गई थी क्योंकि कोई बैठा हुआ था। तो फिर लखन को कोई काम था तो लखन बहुत लेट आए थे। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो भाई मैं पाई से मिली, पाई का नहीं, मॉम तो मॉम की तबीयत खराब रहती थी उस टाइम, शायद माइग्रेन का ज्यादा आपको पेन था, है ना। नहीं नहीं कोई गेस्ट आए हुए थे, फर्स्ट टाइम गेस्ट, सेकंड टाइम में आप लेटे हुए थे, तो मैंने तुझे खाने के भी पूछा था। हाँ, खाने कुछ के खा ले बेटा। जब मैं आई थी ना तो मैं भाग गई, फिर अरे कहाँ चली गई जल्दी इधर आ। फिर मैं आई, फिर मैं मतलब दरवाजे के पास, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। फिर मम्मी बोला कुछ खाया है नहीं खाया, मैंने कहा हाँ खा लिया, पक्का खाया ना वरना मैं पूछूं बहादुर भैया से, मैंने कहा हाँ हाँ खा लिया। फिर मॉम ने उनको भेजा मिठाई, जो मॉम घर पर मिठाई बनाती, उस टाइम मुझे फर्स्ट मीटिंग पर ही मुझे मिठाई खिलाई थी। तो क्या हुआ था, जब मैं पाई से मिली फर्स्ट टाइम, तो पाई कहीं शादी में जा रहे थे, तो पाई ये पूछ रहे थे कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, मतलब ये कलर अच्छा लग रहा है वो या वो वाला कलर। तो पर्पल कलर के भी पाई के पास 4-5 कपड़े हैं, और मुझे वो समझ ही नहीं आया कि वो कलर है कौन सा। फिर मॉम कहती अरे तुम कुछ पहन लो ना, उससे उसको परेशान कर रहे हो, ये कर रहे हो, करो। तो मुझे बड़ा बुरा लगा था कि मैं बोल नहीं पाई थी, मतलब बता नहीं पाती, क्योंकि मुझे वो शर्म आ रही थी, मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ना इसलिए। मगर पाई और मॉम शुरू से इतने इतने फ्रैंक रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। लखन के साथ भी, लखन जब भी अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में बताते थे कि मेरे फैमिली वाले बहुत सिंपल हैं और बहुत फ्रैंक हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कैसी है। मतलब लखन ने मुझसे ऐसी ऐसी बात बोली कि मेरी मॉम डैड को फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कैसी है क्या है, मगर अच्छी होनी चाहिए दिल की। तो फिर मुझे लगा था ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और जब मैं मॉम से मिलती थी, मॉम इतने प्यार से, जैसे एक बेटी नहीं मिल रही है काफी सालों के बाद, एक बेटी घर पर आ रही है, तो मॉम वैसे रखती थी मुझे। देख मैं, और फिर एक बार क्या हुआ था मॉम, जब मैं 3rd या 4th टाइम आई थी, रिक्की लंदन से आया था, रिक्की और करण, तो मॉम ने ना मेरे लिए व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी जो अभी तक मेरे पास है, बट साइज बहुत बड़ा था, मैंने वो एक बार ही पहनी बस, मगर मॉम ने मुझे मंगाई। फिर मैंने लखन को कहती लखन ये मॉम ने ऐसे क्यों मंगाई है, वो फिर लखन ने बोला जिनको मॉम प्यार करती है ना उनके लिए मंगाती है, उनकी आदत है उनको देना। तो फिर मुझे थोड़ा डाउट सा होने लगा था वहीं से, मुझे वहीं से डाउट होने लगा था। मगर उस टाइम तक हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे ना। फिर मैं मॉम से मिलती गई, हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती गई, फिर मैं लॉकडाउन में यहाँ पर फंस गई, फिर और अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मॉम ने अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया, मैं तो शुरू से बहुत प्यार करने लगा था, दोनों ही बहुत शुरू से प्यार करते हैं। मगर मॉम को ये है कि मॉम को गुस्सा भी दिखाना है, मैं कभी कभी डांट भी देती हूँ। हाँ, पाई नहीं डांटते, पाई बिल्कुल चिल रहते हैं, पाई का ऐसा नहीं है डांटना। मगर सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, ऐसे मॉम डैड मिले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में ये पढ़ती हूँ कि हमारे साथ ऐसी है, हमारे ससुर ऐसे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत फ्रैंक रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मत पहनो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जो करना है वो करो, मतलब बस खुश रहो। तुम लोग कोई भी दिक्कत है ना, मॉम डैड ने मुझे ये बात बोली थी, जब एक बार याद है मैं लॉकडाउन में थी, यहाँ पर फंस गए थे हम लोग,
तो हम लोग एक राउंड ले रहे थे, है ना भाई, याद है आपको? आपने बोला था बेटा ये जो हम लोग मॉर्निंग वॉक जाया करते थे उस टाइम, तीनों जने लखन नहीं उठते थे सुबह, तो पाई ने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली थी, बेटा जो हम ये राउंड ले रहे हैं ना, एक ये एक ऐसा राउंड है जो तेरी लाइफ टाइम के लिए है, अगर तुझे वो ठीक लगेगा तो ठीक है, वरना फिर छोड़ दियो बिल्कुल। तो पाई ने उस राउंड में मुझे ये बात बोली थी, अगर देख तू शादी करना चाहती है लखन से, हमें तू पसंद है, बहुत अच्छी लगती है और लखन को भी तू पसंद है, तो मतलब ठीक है, मगर घर को ना एक बॉन्ड एक जोड़ के रखियो, जैसे तेरी मम्मी ने जोड़ के रखा, मतलब मॉम ने जोड़ के रखा इस घर को, पूरे फैमिली को। तो बहुत सारी पाई ने, मैं ऐसे बता नहीं सकती सारी बातें, मगर पाई ने इतनी इमोशनल वाली बातें बोली कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो मुझे वो याद है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें उस राउंड में हुई थी जो आज तक वो शायद हो रही है। नहीं पाई नहीं, मुझे क्या था कि मुझे इसको ये बताना था कि देखिए कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे होते हैं वो समझते कुछ हैं, फिर बाद में होता है कि यार हम तो ये समझ रहे थे और ये हो गया। मैंने इसको सब कुछ बताया कि हम लोग क्या है कि हम लोग बड़े अपने पूरे परिवार रिश्तेदार सब लोगों को का ध्यान रखते हैं, मतलब सब लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो मैं इन्हीं को यही बताना चाह रहा था कि हम लोगों का जो अपना एक जो पूरे रिश्तेदार उनका जो अपने जानकार दोस्त सबका जो दायरा है उसमें हम लोग बड़े घुल मिल के और रखते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो बेटा ऐसा ऐसा नहीं हो कि आप आगे कोई देखोगे यार यहाँ तो ये हम जैसे ये है पूनम है लखन की मम्मी है, ये क्या है कि हमारे रिश्तेदारी या वो उनका सब लोगों से बड़े मिल के उनका ध्यान भी रखती हैं, केयर करती हैं, किसी का हारी बीमारी या कोई ज़रूरत नीड हो तो मतलब हम जो भी कोई अगर लगता है तो कि हम अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं, अगर हम उस अगर होता तो हम उनके लिए कोशिश करते हैं। तो मैंने इनको यही कहा था कि बेटा इसी तरह से रहना इस घर में हमारे यहाँ पर जैसे हम सब लोग हैं, सब लोग सब प्यार से रहते हैं अपने सब लोगों से, एक अच्छी बॉन्डिंग है सब लोगों से बना के रखते हैं, मतलब ये नहीं कि हम लोग अलग रहें, बेटा अलग रहे बहू रहे, इस तरह का नहीं, हम लोग एक संयुक्त तो शामिल परिवार में सब लोग हंसी खुशी रह के आगे तक पूरा परिवार रहे। नहीं तो एक बात और बता, मतलब मेरा नेचर जो था आज भी है, मैंने तुझे फर्स्ट से वही दिखाया था, मतलब कभी मैं इससे मतलब मैं किसी से भी ऐसे नहीं बोल सकती, कोई हमारे घर पहली बार भी आएगा ना आप कैसे हो ये हो वो हो, फॉर्मेलिटी वाली मुझसे होती नहीं, मेरी जो लैंग्वेज है जैसे मैं बात करती हूँ, तेज बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ या कुछ भी करती हूँ ऐसे ही, और मैंने नीतू से ठोक ठोक के कह दिया था नीतू मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि पता ये होता है कि जो हो ना वही बन के रहो। तो मॉम से मुझे यही सीख मिली है कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो, फेक मत बनो, है ना भाई? हाँ, तो इसीलिए मैंने ठोक ठोक के क्या कहा था कि मैं ऐसी ही हूँ जैसी मैं हूँ, तो यही है, पाई जैसे मॉम जैसी है वो वैसी ही है, पाई जैसे हैं वो वैसे ही है बिल्कुल। मगर मॉम थोड़ा कभी कभी उनका माइंड वो हो जाता है कि पागल बता रही है मुझे क्या पागल नहीं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो उनको इरिटेशन होती है कभी कभी, तो वो लेट ना पसंद करती है, अकेले रहना पसंद करती है, मगर जो हमारे पाई वो एक ही मूड में रहते हैं कभी भी हमेशा, मगर जब गुस्सा आता है तो बात अलग है, तब उनके आसपास कोई नहीं रहता, काम के लिए तो सबको गुस्सा 5-10 मिनट के लिए आता बस, फिर वो भूल भी जाता है कि मैंने तुम्हें गलत क्या बोला था कि भागो यहाँ से निकलो, है ना भाई, आप भूल जाते हो ना। मगर ये है आज तक का रिकॉर्ड है, पाई ने आज तक मुझे कभी नहीं डांटा, मेरी दीदी को भी नहीं डांटा, मुझे भी नहीं डांटा, अरे आपको सभी को डांटते हो बेटा, मैं कभी अच्छा बता मैं बेटी में बहू में कभी कोई अंतर ही नहीं समझता, कभी कोई अंतर नहीं समझता, और बहू को प्यार करते हैं ये तो है, पाई का है, लोग मुझे कहते हैं मैं बहुवादी हूं बहुत ज्यादा बहुवादी। चलो तो इसी पे अब हम डन करते हैं, करो फाइनली 28 फरवरी को और हमारी फाइनली बहू, बड़ी बहू हमारी।